ऐसे प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ रिटेल, हैविंग 100 रिटेल आउटलेट्स अक्रॉस नॉर्दर्न एंड साउदर्न इंडिया। द कंपनीज हेड ऑफिस इज लोकेटेड एट चेन्नई। तो जो ऐसे प्राइवेट लिमिटेड है, इसके काफ़ी सारे रिटेल आउटलेट्स हैं पूरे इंडिया में। ऐसे प्राइवेट लिमिटेड इज़ अ सब्सिडरी ऑफ SAG लिमिटेड। SAG लिमिटेड इज लिस्टेड ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर ऐसे प्राइवेट लिमिटेड। तो अब यहाँ पे काम की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। तो इधर प्लान एसेट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। कह रहे कि एट 1 अप्रैल 2001 द फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट वाज 10,000। तो ओपनिंग बैलेंस कितना था प्लान एसेट का? 10,000। कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्लान एसेट्स डन ऑन 31 मार्च 2002 3,000। यानी कंट्रीब्यूशन कितना किया? 3,000 का कंट्रीब्यूशन किया गया। अमाउंट पेड ऑन 31 मार्च 2002 300। यानी जो बेनिफिट पेड है वो कितना? 300 रुपये का है। एट 31 मार्च 2002 द फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स वाज 14,700। यानी जो ये 1 अप्रैल की ओपनिंग बैलेंस थी और 31 मार्च की क्या है? क्लोजिंग बैलेंस कितनी है? ओपनिंग बैलेंस है 10,000, क्लोजिंग बैलेंस है 14,700। एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स 2,000 का है। फिर डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन के बारे में दे रखा है। इधर ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 12,000 का। इधर क्लोजिंग बैलेंस उसके बगल में दे रखा है 15,500 का। एक्चुअल लॉसेस दे रखे हैं हमें 100 रुपये के। करंट सर्विस कॉस्ट 2,500 और बेनिफिट पेड 300। देखो बेनिफिट पेड आप देखोगे तो बेनिफिट पेड तो सेम ही होता है, वो तो 300 रुपये ही होगा, है ना। भले उसे आप प्लान एसेट की कैलकुलेशन में यूज़ कर लो, चाहे डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन की कैलकुलेशन में यूज़ कर लो, है ना, वो तो सेम ही रहेगा हमेशा। डिस्काउंट रेट है, यानी फिर इंटरेस्ट रेट कितना हो गया? 10% का बता रखा है। ये पूछ के आराम से, एज पर इंडेस 19 प्लीज सजेस्ट इफ देर इज एनी अमाउंट बेस्ड ऑन द अबव मेंशन इन्फॉर्मेशन डेट वुड बी टेकन टू अदर कॉम्प्रिहेंसिव। कि ऐसा कोई अमाउंट बताओ जो कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव में जिसे लेकर के जाया जाएगा। तो देखो एक ही अमाउंट होता है जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में लेकर के जाया जाता है, वो कौन सा होता है? वो अमाउंट होता है नेट रीमेजरमेंट। जो नेट रीमेजरमेंट का अमाउंट होता है ना, इसे OCI में लेकर जाया जाता है। तो मतलब हमें क्या कैलकुलेट करके बताना है? नेट रीमेजरमेंट। तो नेट रीमेजरमेंट आता कैसे है? कि रीमेजरमेंट गेन ऑन प्लान एसेट्स और एक्चुअल लॉसेस ऑन डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, ठीक है, इस तरीके से निकलता है। अब ये रीमेजरमेंट गेन, अब ये दोनों हमें नहीं पता है तो ये दोनों निकालना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले हम रीमेजरमेंट गेन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है प्लान एसेट्स के बारे में, उसे हमने क्या किया? फॉर्मूले में डाल दिया। फॉर्मूले में डाल दिया तो हमारा एक्चुअल रिटर्न 2000 आना चाहिए था। बट देखो यहाँ पे एक्चुअल जो रिटर्न है ना, वो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। देखो अब देखोगे तो ये देखो, जो फॉर्मूले में रख करके बैलेंसिंग फिगर हमें हम खुद निकालते, वो इन्होंने दे दिया है। तो मतलब हमें फॉर्मूले इतना सब करने की जरूरत नहीं है, हमें एक्चुअल रिटर्न हमारे पास ऑलरेडी आ रखा है, ठीक है। नहीं तो एक्चुअल रिटर्न अगर नहीं दिया होता तो हम खुद कैसे निकालते हैं? ओपनिंग बैलेंस लेते हैं, यानी जो भी ओपनिंग फेयर वैल्यू प्लान एसेट की कितनी? 10,000 की है। फिर उसमें से कंट्रीब्यूशन उसमें ऐड कर देते हैं। कंट्रीब्यूशन कितना का? 3,000 का कंट्रीब्यूशन। देखो कंट्रीब्यूशन है ना 3,000 का। फिर बेनिफिट पेड कितना किया? बेनिफिट पेड 300 का बेनिफिट पेड है। फिर क्लोजिंग बैलेंस कितना है? क्लोजिंग बैलेंस 14,700 दिखा रखा है। इसको सॉल्व करते तो हमारा बैलेंसिंग फिगर आता है एक्चुअल रिटर्न 2,000 का, लेकिन इन्होंने एक्चुअल रिटर्न हमें ऑलरेडी दे दिया है, तो हमें इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी हमारा एक्चुअल रिटर्न इन्होंने दे रखा है, गिवन है। तो रीमेजरमेंट गेन कैसे निकलता है? प्लान एसेट पे एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो एक्चुअल रिटर्न तो दे ही रखा है 2,000 का, या तो आप ये मान लो कि हमने कैलकुलेशन से निकाला जो भी है। एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं दे रखा, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे होगा? देखो इंटरेस्ट का रेट कितना दे रखा है? 10% का। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालो? जो भी ओपनिंग बैलेंस होता है उसी के ऊपर तो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकलता है। एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब होता है, यानी एक तरीके से इंटरेस्ट इनकम होती है, तो इंटरेस्ट इनकम ही तो होती है। तो 10,000 का 10% यानी 1,000 आपका क्या होगा? एक्सपेक्टेड रिटर्न या फिर इंटरेस्ट इनकम हो गया। तो एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो आपका रीमेजरमेंट गेन कितना आ गया? 1,000 का। तो ये वैल्यू आपकी आ गई 1,000 की। अब हमें क्या निकालना है? एक्चुअल लॉस। तो एक्चुअल लॉस का फॉर्मूला ये होता है, जैसे हमने इधर एक्चुअल रिटर्न निकाला ना, उसी निकाला उस तरीके से जो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन होता है उसमें एक्चुअल लॉस निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि ओपनिंग बैलेंस, फिर करंट सर्विस कॉस्ट, फिर इंटरेस्ट, फिर मतलब पास्ट सर्विस कॉस्ट, फिर बेनिफिट पेड सेटलमेंट, फिर क्लोजिंग बैलेंस, फिर एक्चुअल बैलेंसिंग फिगर, एक्चुअल लॉस हमारा, या फिर गेन एक्चुअल लॉस से गेन बैलेंसिंग फिगर निकलता है। बट एक्चुअल रिटर्न की तरह हमें एक्चुअल लॉस भी दे रखा है। देखो एक्चुअल लॉस भी हमें दे रखा है, एक्चुअल लॉस हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें ये बैलेंसिंग फिगर अगर निकालने की जरूरत है नहीं। तो एक्चुअल लॉस हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 100 का, तो हमारा कितना आ गया नेट रीमेजरमेंट 900। यानी जो 900 अमाउंट है ये कहाँ पे जाएगा? OCI में जाएगा। अच्छा देखो एक चीज़ और पूछ रहा हमसे,
ऑल्सो कंप्यूट नेट इंटरेस्ट ऑन द नेट डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी. हमसे क्या पूछा है, नेट इंटरेस्ट पूछा है. तो नेट इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस इंटरेस्ट इनकम, तो नेट इंटरेस्ट आ जाएगा. तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है, देखो DBO जो ऑब्लिगेशन है उसी के ऊपर तो एक्सपेंस निकलेगा ना इंटरेस्ट का. तो ओपनिंग बैलेंस कितना है, 12,000 का देखो ओपनिंग बैलेंस है ना, 1 अप्रैल 2001 का ओपनिंग बैलेंस क्या 12,000, इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट हमें पे करना है. तो कितना हुआ, 12,000 का 10% 1200. और इंटरेस्ट इनकम कितनी हो रही है, एक्चुअल रिटर्न इंटरेस्ट इनकम क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ही तो है इंटरेस्ट इनकम, 10,000 के ऊपर 10% का, तो कितना हो गया 10,000 के ऊपर 10% 1,000 रुपये. यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे निकलती है, जो ओपनिंग फिगर होती ओपनिंग बैलेंस होता है डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट ले लो, वो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस हो जाता है. और इंटरेस्ट कैसे निकलता है, ये ओपनिंग बैलेंस जो प्लान असेट्स का होता है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट कर देते हो, तो आपका इंटरेस्ट इनकम आ जाता है. यानी दोनों ही किस पे निकलते हैं, एक निकलता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लान असेट्स, ये रहा प्लान असेट्स वाला, और ओपनिंग बैलेंस ऑफ DBO, उसके ऊपर बस इंटरेस्ट रेट लगा दो, आपका जो भी आएगा उसको नेट कर दो, तो आपका नेट इंटरेस्ट निकल गया. हमारे केस में कितना रहा, 200 का.